हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप डेविंची रिजोल के अंदर वीडियो का कोई भी पार्ट ब्लर करें। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मुझे सेलेक्ट ड्यूरेशन वाला पार्ट ब्लर करना है, तो चलिए देखते हैं और उंगली करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पार्ट ब्लर करने के लिए आप नीचे आप देख सकते हो एडिट के बाजू में फ्यूजन, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया इन और मीडिया आउट, इसके बीच में एक लाइन है, तो लाइन पर क्लिक करके इसको कट कीजिए। तो कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लर, इसको सिलेक्ट कीजिए और मीडिया इन के सामने ड्रॉप कीजिए। उसके बाद मीडिया इन को ब्लर से कनेक्ट कीजिए, उसके बाद ब्लर को मीडिया आउट से कनेक्ट कीजिए। तो यह हमारा कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ से आप इसको ब्लर साइज को फुल करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेरे वीडियो का पूरा पार्ट ब्लर हो रहा है, लेकिन मुझे वीडियो का एक स्पेसिफिक पार्ट ही ब्लर करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और ब्लर के ऊपर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद ब्लर को रेक्टेंगल से कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगल टाइप का ब्लर आ चुका है, तो इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो स्क्रीन पे से ही जितनी साइज आपको चाहिए। अगर आपको इसको मूव करना है तो यहाँ से आप मूव कर सकते हो बीच में रख के। राइट साइड को भी आपका ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप ब्लर का लेवल कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से भी आप उसका विड्थ बढ़ा सकते हो कम ज़्यादा, उसके नीचे हाइट। उसके बाद अगर आपको ब्लर का कॉर्नर कर्व करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से स्क्रीन पे से ही एडजस्ट करके रखता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट ड्यूरेशन का पार्ट ब्लर हो चुका है। तो मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ एडिट में जाकर। तो ये रहा मेरा सेलेक्ट ड्यूरेशन वाला पार्ट ब्लर हो गया है। तो आज हमने डेविंची रिजोल के अंदर देखा कि कैसे आप वीडियो का कोई भी पार्ट ब्लर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल होगी तो लाइक कीजिए और कुछ करें तो कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।